हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल पूजा टुडे क्लासेस एंड ब्लॉग्स। देखिए, आज मैं आपके साथ दोबारा रिवीजन लेकर आई हूँ क्लास नाइन्थ के लिए। हालांकि अगर इसको कोई भी क्लास के बच्चे देखें, टेंथ हो, सिक्स सेवन्थ हो, उनके लिए भी यूज़फुल है, बट मैंने ये नाइन्थ के बिहाफ पर थोड़ा सा बनाया है क्योंकि उनके सिलेबस में ये सब कुछ है। तो जैसे कि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसी के बिहाफ पर मैं आपके रिवीजन करा रही हूँ जीके, और एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके 20 आएंगे, बट मैं सारे आपको उस तरीके से निपटा रही हूँ। मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस, मतलब किस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है आउटपुट डिवाइस नेम, ठीक है। क्वेश्चन ये आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आपको पहले पता होना चाहिए ना कि आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है। आउटपुट डिवाइस दोज डिवाइस बाय विच यू कैन क्रिएट आउटपुट, मतलब जिसके थ्रू आपका आउटपुट आता है, आपको कुछ सुनाई देता है, दिखाई देता है, जैसे मॉनिटर, ठीक है। आउटपुट डिवाइस नेम है, आप देख सकते हैं, स्पीकर आपको सुनाई देता है, ठीक है। इनपुट डालने के बाद ही आवाज आती है, प्रिंटर, जब तक आप उस पर कमांड नहीं देंगे तो आपका प्रिंट निकल कर नहीं आएगा, तो प्रिंटर हो गया। प्लॉटर एडवर्टाइजमेंट के लिए, आप बताइए, जो बड़े बड़े प्रिंट निकलते हैं उसके लिए उसका यूज होता है प्लॉटर का, ठीक है, कैड में। तो दीज आर दी आउटपुट डिवाइस नेम। अब अगर आपको आउटपुट डिवाइस के नेम पता होंगे तभी आपको पता चलेगा कि इनमें से कौन सी नहीं है। सपोज आपको एक ऑप्शन ये दे दें, मतलब सारे ऑप्शन दें और नोट का दे दें अलग, तो आपको नोट का पहचानना है। उन्होंने पूछा है कि कौन सा नहीं है। सपोज यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस के साथ आपको यहाँ कीबोर्ड दे दिया जाता, ठीक है, तो कीबोर्ड आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। सेम काम आपका इनपुट डिवाइस के लिए, आपको इनपुट डिवाइस पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस होती क्या है। बाय विच यू एंटर एनी वैल्यूज एंड यू कैन क्रिएट आउटपुट, मतलब वो हर डिवाइस जिसके थ्रू आप इनपुट एंटर कराते हैं, जैसे स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, ओएमआर, ओसीआर, एक्सेट्रा, मतलब ये इतनी सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं। इसके अलावा बहुत सारे इनपुट डिवाइस के नेम हैं, बट मैंने दो चार लिखे हुए हैं। स्कैनर क्या करता है, कन्वर्ट हार्ड कॉपी इंटू सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, कन्वर्ट हार्ड कॉपी इंटू सॉफ्ट कॉपी। आपको पता ही है, सपोज मेरे पास एक पेपर है, सपोज मैं इसे अपने सिस्टम में स्टोर करना चाहती हूँ, तो मैं स्कैनर के थ्रू इसे क्या कर लूँगी, स्कैन कर लूँगी और ये मेरे सिस्टम में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो स्कैनर क्या हो गया आपका, इनपुट डिवाइस। तो सेम आपसे पूछ सकते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनपुट डिवाइस, ठीक है। सपोज आउटपुट डिवाइस के भी नाम दे दिए, इनपुट के भी दे दिए, तो आपको किसको आइडेंटिफाई करना है, इनपुट डिवाइस को। तो दीज ऑल आर द इनपुट डिवाइसेस नेम। नाउ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑलरेडी डिस्कस अबाउट यू, ठीक है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, आपको पता है, जो उसकी प्रॉपर्टी है वो मल्टी यूजर है, मल्टी टास्किंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन आते हैं और अगर ऑल लिखा आता है तो आप ऑल ही लगाओगे, क्यों, क्योंकि इसमें ये सारे फीचर्स होते हैं, मल्टी यूजर काम करता है, मल्टी टास्किंग करता है, मल्टी प्रोग्रामिंग करता है। ये सारे टॉपिक डिटेल्स में मैं पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपको लाइनक्स दोबारा से पढ़ना है या कोई भी टॉपिक दोबारा से पढ़ना है, आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या डोज होता है, वो क्या होते हैं आपके, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन लिनक्स क्या है आपका, मल्टी यूजर, मल्टी टास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। फिर विच डिवाइस लुक लाइक अ टाइपराइटर, मींस कौन सी डिवाइस ऐसी है जो आपको टाइपराइटर की तरह दिखाई देती है। तो देखिए बेटा, अगर किसी बच्चे ने टाइपराइटर देखा हुआ होगा कचहरी में, जो आपका होता है, जहाँ पर काम होता है, वहां पर अब भी आपको टाइपराइटर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो टाइपराइटर में जो आपकी कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड आपको किसकी तरह देखने को मिलता है, टाइपराइटर की तरह, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कीबोर्ड। ये उसके बाद आपकी आती है, तो ठीक है, कीबोर्ड क्या है आपकी, टाइपराइटर की तरह होती है, ठीक है, देखने में किसकी तरह लगती है, ये टाइपराइटर की तरह। फिर पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी है। पॉइंटिंग डिवाइस आर दोज डिवाइस बाय विच यू कैन क्रिएट और प्रोसेस योर डेटा विद द हेल्प ऑफ पॉइंट। जैसे माउस हुआ, माउस में एरो का साइन आता है, जॉयस्टिक है, इसमें भी एरो का साइन होता है, जो टच स्क्रीन, जैसे आप अपने फोन को इस तरीके से टच करते हैं, ठीक है, तो पॉइंट के थ्रू काम होता है। तो ये सब आपकी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। अगर क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉइंटिंग डिवाइस, इनमें से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो आपको पहले पता होनी चाहिए कि कौन सी है। अगर नहीं पूछेगा, सपोज यहाँ पर स्कैनर होता या कीबोर्ड होता, तो आप किस पे टिक लगाए थे, स्कैनर पर। कीबोर्ड होता तो कीबोर्ड पर लगा देते, क्योंकि ये तीन जो हैं ये आपकी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। फिर ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, आप जानते हो किसको बोलते हैं, सीपीयू, ठीक है। एक हार्ट होता है जिसको हम एएलयू बोलते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है, कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इंटू डिजिटल, मतलब किस डिवाइस के थ्रू आप एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट करते हैं, डिजिटल में। तो आपका मॉडम होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ये क्या कन्वर्ट करता है आपका, एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में यूज होता है, और उसको हम इंटरनेट की टर्म्स में एज अ डिवाइस यूज करते हैं। आपको पता है, जो आपके सिग्नल होते हैं वो डिजिटल होते हैं कंप्यूटर के, मीन्स जीरो और वन की फॉर्म में होते हैं।
ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल आपके कंटीन्यूअस वेव फॉर्म में होते हैं, तो ये आपके सिग्नल्स को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। फिर बात करते हैं आपके नंबर सिस्टम वाले चैप्टर पर, ये आपको पता ही है। बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का 10 आता है और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसकी प्रैक्टिस भी आप जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे इनमें से, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर 1 byte कितने बिट्स के इक्वल होता है, आपको पता ही है 8 bits के इक्वल होता है। और 1 nibble किसके इक्वल होता है, आपके 4 bits के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पर काफी कंबाइंड चैप्टर का ही रिवीजन है, तो सारे टॉपिक्स आपको अलग अलग मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं सी प्रोग्राम्स कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज, मतलब जो सी के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट होते हैं किसके थ्रू होते हैं, कंपाइलर के थ्रू। कंपाइलर क्या करता है, हमारे प्रोग्राम्स को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देता है। फिर बात करें एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल्स, जो आप मैं लिखवाती हूँ ना स्टार्टिंग में, हैश इंक्लूड stdio.h conio.h, ठीक है। तो ये .h है, ये .h क्या होता है, एक्सटेंशन, और ये किसका होता है, आपका हेडर फाइल्स का। सेम ऐसे अगर आपसे कहें जो सी के जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो सी लैंग्वेज है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो वो होता है .c, क्लियर। उसके बाद बात करें मैंने, क्योंकि आपको वेरिएबल नेम पढ़ाया हुआ है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवैलिड वेरिएबल नेम, ठीक है, कि इनमें से कौन सा इनवैलिड वेरिएबल नेम है, ठीक है। तो मैंने आपको देखो रूल्स बता रखे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, वो रूल्स आपको याद होने चाहिए। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है परसेंट, तो ये हमारा बिल्कुल वैलिड है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड आपका लिखा हुआ इन और हाइफन लगा के आउट लिखा हुआ है, तो ये आपका फॉल्स है बेटा। फॉल्स क्यों है, क्योंकि हम वेरिएबल नेम में कभी भी हाइफन का यूज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अगर ये ऐसे लिखा होता इन अंडरस्कोर आउट, ठीक है, सिर्फ एक अंडरस्कोर ऐसा साइन है जिसको आप यूज कर सकते हो। अगर ऐसा होता तो ये ट्रू हो जाता, अदरवाइज ये आपका क्या है, रॉन्ग है। फिर लिखा हुआ है नम, यस सही है, क्योंकि आपका जो वेरिएबल नेम है अल्फाबेट्स और डिजिट से मिलकर बना होता है, ठीक। अगर ये होता 1 num तो ये आपका रॉन्ग हो जाता, लेकिन num 1 लिखा हुआ है तो ये आपका ठीक है। फिर लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, तो देखिए बेटा बीच में स्पेस दिया हुआ है, कभी भी वेरिएबल नेम में स्पेस अलाउड नहीं होता विद इन अ वेरिएबल नेम, ठीक है। अगर अंडरस्कोर होता यहाँ पर तो ठीक होता, लेकिन ये स्पेस दिया हुआ है इसलिए ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। 1 2 3 कभी भी एक साथ डिजिट्स में नहीं हो सकता, तो ये भी फॉल्स। a@c ये भी फॉल्स, क्यों, क्योंकि स्पेशल सिंबल हम सिर्फ अंडरस्कोर यूज करते हैं। अगर लिखा होता a_c तो हमारे सही हो जाता, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, @, तो ये हमारा रॉन्ग है, ठीक है। इसके अलावा फुल फॉर्म, जैसे डोज हो गई, डोज की फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी लिखाया। फिर GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, ये सब मैंने आपको बताई हुई है ऑलरेडी, रिवाइज कर लीजिएगा। सेम CLI कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है, ये छोटी छोटी डेफिनेशन जो फुल फॉर्म्स हैं इनको कर लीजिएगा, क्लियर। SMTP हुआ, उसके अलावा FTP, हालांकि आपके शायद उसमें नहीं है, बट आप इनको कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा क्विक रिविजन है आपके लिए, ऐसी आपको वीडियो आगे मिलती रहेंगी। और ये सारे क्वेश्चंस आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।